नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर 6 पिन, 4 पिन और 3 पिन डिजिटल क्रिस्टल माइक की जगह 2 वायर वाला यूनिवर्सल माइक लगाना सीखेंगे। चाहे वो ओप्पो कंपनी का मोबाइल हो, चाहे वो वीवो कंपनी का मोबाइल हो, या फिर सैमसंग, नोकिया, जो भी कंपनी का मोबाइल हो, उसके अंदर अगर 6 पिन, 4 पिन और 3 पिन वाला डिजिटल क्रिस्टल माइक है तो उसके जगह आप लोग कैसे 2 पिन यूनिवर्सल माइक को लगा पाएंगे, उसी के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, पहले 6 पिन और 5 पिन की जगह 2 पिन यूनिवर्सल माइक को कैसे लगाना है उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये समझने के लिए मीटर को मैं कंटिन्यूटी में सेट किया है। और उसके बाद ये बोर्ड के अंदर यहाँ पर देखिए माइक का जो प्रिंट है वो बोर्ड के अंदर 6 पिन दिखाई दे रहा है और इसी 6 पिन के अंदर से 4 पॉइंट ग्राउंड होते हैं। तो मैं आप लोगों को ग्राउंड को दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ग्राउंड होते हैं और ये भी ग्राउंड पॉइंट है और इसके नीचे जो पॉइंट है दोस्तों ये भी ग्राउंड है और इसके बाद ये जो मिडिल पॉइंट है दोस्तों ये भी ग्राउंड है। तो 6 पिन के अंदर से हम लोगों को यहाँ पर 4 पॉइंट ग्राउंड मिल गया है और बाकी जो 2 पॉइंट है दोस्तों ये एक माइक प्लस पॉइंट है, नीचे का जो पॉइंट है यहाँ पर ये माइक प्लस पॉइंट है। और मीटर रेड प्रूफ को ग्राउंड करके ब्लैक को इसमें रीडिंग करेंगे तो मीटर में जो रीडिंग दिखाई दे रहा है इसके आसपास ही रीडिंग शो होगा। और ये हमारा हो गया माइक डेटा प्लस, जिसको हम लोग ऑडियो सिग्नल पॉइंट भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को इसी 6 पिन डिजिटल क्रिस्टल माइक को 2 पिन यूनिवर्सल माइक में कन्वर्ट करने की आसान तरीका बताऊंगा। और ये जो मैं आप लोग के यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये 6 पिन और 5 पिन माइक के लिए सेम है। तो चलिए पहले माइक पॉइंट को फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ड्राइंग जो हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद ये जो पॉइंट है दोस्तों ये 4 पॉइंट ग्राउंड है, ठीक है। और उसके बाद ये जो 2 पॉइंट है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट के अंदर हम लोगों को एक रेजिस्टेंस जोड़ना है जो कि 1.5 किलो ओम से 5 किलो ओम तक, ठीक है। तो डायग्राम जो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी माइक प्लस वायर को इसके अंदर जोड़ना है और माइक माइनस वायर को इसी 4 पॉइंट के अंदर से किसी 1 पॉइंट में ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग के यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों यूनिवर्सल माइक को किस तरह जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, ये 2 वायर वाला यूनिवर्सल माइक है तो इसी 2 वायर वाला यूनिवर्सल माइक को माइक प्लस वायर को इस पॉइंट में जोड़ना है और माइक माइनस वायर को इस पॉइंट में जोड़ना है, कुछ इस तरह की। अगर आपके मोबाइल के अंदर 5 पिन डिजिटल माइक है और उसका माइक का जो होल है वो ऊपर की तरफ है तो ये जो पॉइंट है दोस्तों ये उसके अंदर नहीं होगा। तो इसी 3 पॉइंट में से किसी भी 1 पॉइंट में माइक माइनस वायर को जोड़ सकते हैं। दोस्तों ये तो हमारा हो गया 5 पिन और 6 पिन वाले डिजिटल माइक को 2 पिन यूनिवर्सल माइक में कन्वर्ट करने की आसान तरीका। और अभी देखते हैं 4 पिन यूनिवर्सल माइक को कैसे 2 पिन यूनिवर्सल माइक में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग 4 पिन डिजिटल क्रिस्टल माइक को लगाने के टाइम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि माइक को किस साइड में लगाए, तो इसी कन्फ्यूज़ को यहाँ पर क्लियर करते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, 4 पिन वाला डिजिटल क्रिस्टल माइक का 2 पॉइंट ग्राउंड होते हैं तो उसी 2 पिन ग्राउंड को पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले मीटर की 1 प्रोब को ग्राउंड करते हैं और उसके बाद 1 प्रोब को माइक पॉइंट में रीडिंग करते हैं। और देखिए दोस्तों, एक कंटेंट के साथ 1 रीडिंग आ रहा है,
यानी एक ग्राउंड है, और उसके बाद नीचे की पॉइंट को रीडिंग करना है। देखिए ये भी कंटिन्यूटी के साथ जीरो रीडिंग आ रहा है, यानी ये भी ग्राउंड है। तो हमारा ग्राउंड पॉइंट फाइंड आउट हो गया है, और उसके बाद इस पॉइंट को रीडिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये माइक प्लस की पॉइंट है, ठीक है। इनमें से माइक प्लस का सप्लाई आते हैं, और ऊपर का जो पॉइंट है दोस्तों वो माइक डेटा प्लस, जिसके जरिए ऑडियो सिग्नल मिलते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को इसी डिजिटल माइक को यहाँ पर लगाने का तरीका बता देता हूँ, और उसके बाद टू पिन यूनिवर्सल माइक लगाने की तरीका जानेंगे। तो माइक का जो पॉइंट है दोस्तों, इस साइड में दो पॉइंट है, उस साइड में दो पॉइंट है। तो पहले इस साइड में रीडिंग करना है, और देखिए दोस्तों ये जो रीडिंग आ रहा है यहाँ पर माइक प्लस और ऑडियो सिग्नल पॉइंट, और उसके बाद साइड चेंज करके रीडिंग करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोनों पॉइंट ग्राउंड है, और इसी दोनों ग्राउंड पॉइंट को मोबाइल मदरबोर्ड के अंदर जिस साइड में ग्राउंड पॉइंट है माइक की, उस साइड में बिठाना होगा। तो इस तरह डिजिटल माइक को किस साइड में सेट करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं, और डिजिटल माइक को कैसे लगाना है ये जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ। अगर ये जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर 4-पिन डिजिटल क्रिस्टल माइक की जगह 2 तार वाला माइक लगाने का तरीका बताऊँगा। तो चलिए मदरबोर्ड में जो माइक का 4 पॉइंट है उसको पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्राइंग जो हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, देखिए। और ये जो 2 पॉइंट है दोस्तों, ये 2 पॉइंट ग्राउंड है, इसी दोनों पॉइंट के अंदर से किसी भी एक पॉइंट के अंदर हम लोग माइक माइनस वायर को जोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसी दोनों पॉइंट के अंदर एक रेजिस्टेंस जोड़ना है, जिसका वैल्यू होना चाहिए 1.5 किलो ओम से 5 किलो ओम तक, ठीक है। 1.5 kA से 5 किलो ओम। और इसी रजिस्टर को जोड़ने के बाद माइक प्लस वायर को इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। माइक प्लस वायर को इसके साथ जोड़ना है। तो हमारा हो गया ये 4-पिन डिजिटल क्रिस्टल माइक का डायग्राम। और देखिए मैं आप लोग यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो 2 वायर वाला माइक है इसको माइनस वायर को इस साइड में जोड़ना है, और प्लस वायर को इसी माइक प्लस पॉइंट में जोड़ना है, ठीक है, कुछ इस तरह की। और अभी 3-पिन डिजिटल क्रिस्टल माइक की जगह 2-पिन यूनिवर्सल तार वाला माइक को कैसे लगाएंगे वो जानेंगे। और अभी का जो खास करके सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल आ रहा है उसके अंदर ज़्यादातर ये माइक लगा रहता है, ये 3-पिन वाला डिजिटल क्रिस्टल माइक। तो चलिए अभी इसी 3-पिन वाला डिजिटल क्रिस्टल माइक की पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, किस पॉइंट में क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पहले यहाँ पर ड्रॉ करते हैं दोस्तों, इसका जो 3 पॉइंट है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो हमारा होल टाइप के एक पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड पॉइंट। इसके अंदर हम लोग माइक माइनस वायर को जोड़ेंगे, और उसके बाद ये जो पॉइंट है दोस्तों इसमें कोई रीडिंग नहीं आएगा। इनमें मैं आप लोग को यहाँ पर रीडिंग करके दिखाता हूँ, इनमें कोई रीडिंग नहीं आएगा। और ये जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा ऑडियो सिग्नल पॉइंट, जिसको माइक डेटा प्लस पॉइंट भी बोलते हैं। और उसके बाद ये जो पॉइंट है दोस्तों, इसको रीडिंग करते हैं, यहाँ पर क्या रीडिंग दिखाई देते हैं, और इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग शो होगा। देखिए दोस्तों, इनमें रीडिंग शो हो रहा है। तो ये हमारा हो गया माइक प्लस पॉइंट, तो ये हमारा हो गया माइक प्लस पॉइंट। इसके अंदर हम लोग जोड़ेंगे माइक माइनस वायर को, और इसके अंदर हम लोग जोड़ेंगे माइक प्लस वायर को, और इसी ऑडियो सिग्नल और माइक प्लस के बीच में हम लोग एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, जिसका वैल्यू 1.5 किलो ओम से
5 किलोम्स तक। दोस्तों आप लोग 10 किलोम्स तक भी रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो साउंड माइक का जो साउंड क्वालिटी आएगा दोस्तों वो थोड़ा लो टाइप की क्वालिटी आएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा दोस्तों 1 से लेके 5 तक किसी भी एक रेजिस्टेंस को यूज़ कीजिए इसके अंदर। तो दोस्तों मैं जो आप लोग यहाँ पर इसी सारे डिजिटल क्रिस्टल माइक की जगह 2 वायर वाला यूनिवर्सल माइक लगाने की तरीके बताया है। अगर आप लोग ये सारे तरीके अच्छे से जान जाएंगे तो किसी भी डिजिटल क्रिस्टल माइक की जगह 2 पिन यूनिवर्सल माइक लगा पाएंगे। दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस का टाइप क्या है और वो रेजिस्टेंस आपको कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों रेजिस्टेंस का टाइप SMD होगा, कोई भी पुराना और डेड मोबाइल की मदरबोर्ड में मिल जाएगा। और डिजिटल मीटर को 20K में रख के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताया यहाँ पर इसका आप लोगों को डायग्राम चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों की 1 लाइक से बहुत मोटिवेट मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। अगर अभी भी कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट में बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों इसी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।